हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो वीडियो है बहुत ही अच्छा है वीडियो है। अगर आपको जानना है कि अभी आपके लिए क्या जरूरी मैसेजेस हैं, क्या सही है आपके लिए, क्या करना चाहिए आपको, अगर ऐसा कुछ आपके मन में चल रहा है और आप सोच रहे हैं कि ऐसा कोई वीडियो आपको मिल जाता है, क्योंकि आप बहुत समय से देख रहे हैं। बहुत सारे लोग तो बताते भी हैं कि मैम इस टॉपिक पे मुझे वीडियो देखना है, तो इसीलिए कह रहे हैं कि अगर आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ तो ये वीडियो आपके लिए है कि आपके लिए अभी क्या सही होगा, आपको क्या करना चाहिए, क्या इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं आपके लिए। तो आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे दो कार्ड हैं, तो समस्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको सेलेक्ट करने में समस्या है तो फिर आप चाहें तो आप दोनों ही वीडियो को सुने, और अगर आपसे जो भी कनेक्ट हो रहा है उसको आप ले लें, ठीक है, वो आपके लिए है। पहला जो कार्ड हमने रखा है वो है, आप देख सकते हैं, पूरा राम परिवार है, यहाँ राम दरबार है, यहाँ राम सीता लक्ष्मण सब कोई है, सब कुछ है इसमें, ठीक है। हनुमान जी भी हैं इसमें, शंकर जी भी हैं, ब्रह्मा जी भी हैं, गणपति जी भी हैं, सब कोई है यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको ये वाला कार्ड लग रहा है कि आज की रीडिंग के लिए जो टॉपिक है उसके लिए आपको ये वाला कार्ड चुन लेना चाहिए, तो ये आप चुन सकते हैं, ठीक है। दूसरे वाले कार्ड में आप देख सकते हैं माता रानी की तस्वीर है, ठीक है। समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये सब मत सोचिए कि मैंने आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए कह दिया गया। देखिए क्या होता है ना, सेलेक्ट आप कोई सा भी कर लीजिए, लेकिन जब तक रीडिंग आपसे कनेक्ट नहीं होगी तो वो आपके लिए नहीं होगी, ठीक है। तो आप दोनों को रीडिंग को सुन लीजिएगा, आपको फिर लगे कि नहीं ये वाला रीडिंग तो मेरा था, तो आप उसको आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप सेलेक्ट करते हैं और रीडिंग आपसे कनेक्ट होती है तो बिल्कुल आपके लिए है, लेकिन आप सेलेक्ट करते हैं और रीडिंग आपसे कनेक्ट नहीं करती है तो फिर वो आपके लिए नहीं है। तो दूसरा जो कार्ड है वो है माता रानी का। अगर आपको ये वाला कार्ड लग रहा है आज की रीडिंग के लिए तो आप इसको चुन सकते हैं, कार्ड नंबर सेकेंड, कार्ड नंबर फर्स्ट, ठीक है, कार्ड नंबर सेकेंड। तो दोनों कार्ड्स को बहुत ध्यान से देखिए, आप वीडियो को यहाँ पे रोक दीजिए, प्रार्थना कर लीजिए, जो भी कुछ आप जानना चाहते हैं, जो भी समस्या आपके जीवन में चल रही है, जिस भी समस्या को लेके आप परेशान हैं, उस समस्या के बारे में सोचिए और प्रार्थना करें कि आपको सलाह मिले अच्छी सी, और आप जान सकें कि अभी आपको क्या करना चाहिए, अभी आपके लिए क्या सही है, आपको किस दिशा में अपना कदम रखना चाहिए, क्या सोच रखनी चाहिए, सब कुछ आपको जानने को मिलेगा। स्टार्ट करेंगे हम पहले नंबर की जो कार्ड है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसमें आपको सभी देवी देवता लगभग दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। माता रानी की तस्वीर को रखते हैं थोड़ा सा साइड में, उसके बाद हम पहले हम देखते हैं आपके लिए क्या संदेश है। आपके लिए अभी क्या इम्पोर्टेंट है, अभी आपके लिए क्या जानना बहुत इम्पोर्टेंट है जो आपको नहीं पता है, ये हम देख रहे हैं आज के वीडियो में। चलिए देख लेते हैं जिन लोगों ने भी पहले नंबर की तस्वीर को चुना है, पहले नंबर के कार्ड को चुना है। आपके लिए संदेश आ रहा है रावण, तो पहला ही जो संदेश है रावण जी का है। देखिए आपने कार्ड चुना है राम जी का और आपको देखने को मिल रहा है रावण का संदेश, ठीक है, मतलब रावण के कार्ड का संदेश है। रावण की संदेश में क्या है ये हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। अहंकार मनुष्य की गरिमा को नष्ट कर उसके पतन का कारण बनता है, हम सबको पता है। आज आपके लिए भी ये संदेश है, क्यों है ये आप समझ सकते हैं। ईश्वर से मिली उपलब्धियों के लिए आभारी बने, अहंकारी नहीं, ठीक है। इस बात का ध्यान हमेशा रखें कि कहीं आपके अंदर अहंकार ना आ जाए किसी भी चीज के लिए। जरूरी नहीं है कि अगर आप धन दौलत से बहुत संपन्न है तो आपको धन दौलत का अहंकार, जरूरी नहीं है। कभी कभी खूबसूरती का अहंकार भी आ जाता है लोगों के अंदर कि हम बहुत अच्छे दिखते हैं, हम बहुत, ठीक है, ये सब भी अहंकार में आ जाता है। हम पढ़ते बहुत अच्छा है, हमारी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी, तो उसका भी घमंड होता है। अहंकार किसी चीज का अच्छा नहीं है, चाहे वो पैसे का हो लेके हो, चाहे वो खूबसूरती को लेके हो, चाहे वो पढ़ाई लिखाई को लेके हो, या फिर कोई काम आप कर रहे हैं, किसी भी चीज में अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है वो है पतन का कारण।
आपकी उपलब्धि बनी रहे, इसलिए कभी भी अहंकार ना आपके अंदर आए ताकि आप जीवन में आगे बढ़ते रहे। और अगर आपके अंदर अहंकार आया तो समझ लीजिएगा कि आपकी गरिमा नष्ट हो जाएगी जो आपने इतनी मेहनत से प्राप्त की है सब कुछ। ठीक है, रावण का कार्ड आपके लिए था। स्वस्थ हृदय, अपनी सारी नकारात्मक भावनाएं एवं विचारों को त्याग कर मेरा हृदय निरोग एवं पुष्ट हो रहा है। देखिए क्या ये कार्ड भी आपके लिए है, ये कार्ड भी आपके लिए है, जो कि कहीं ना कहीं एक चीज दिखा रहा है कि आपके अंदर कुछ ना कुछ तो नेगेटिव चल रहा है जो सही नहीं है, आपके नेचर के लिए सही नहीं। हो सकता है कि आप ऐसे इंसान है नहीं और लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आप ऐसे बन गए, आपके अंदर अहंकार आ गया, आपके अंदर घमंड आ गया, आपके अंदर नकारात्मकता आ गई, दूसरों के प्रति आ गई, तो उसको निकालें बाहर। ठीक है, और आप ये एक तरीके का योगा अभ्यास करें कि और साथ में ध्यान लगाएं और ये अपने आप से कहें कि आपके अंदर से सारी नकारात्मकता है वो जा रही है, चली गई है, अब वो कभी वापस लौट के नहीं आएगी और आप एकदम से एक पॉजिटिव एक सकारात्मक इंसान हो गए हैं। ठीक है, ऐसे योगा करते समय आपको ध्यान लगाना है, ये कार्ड आपके लिए इसलिए है। पोषण और विकास, ठीक है, मैं इस अखिल ब्रह्मांड का ही संतान हूँ, इसी की कृपा से मैं फलता फूलता हूँ, इस बात का ध्यान जीवन में हमेशा रहे। ठीक है, इसी मिट्टी के हैं हम, इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। नंदी, नंदी जी का कार्ड आपके लिए है, प्रवाह के संग चलो, अपने अभिप्राय की पारदर्शिता होने पर हमारे क्रियाकलाप स्वयं उचित और नैतिक हो जाते हैं। समझ रहे हैं आप इस कार्ड का मतलब क्या है? कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें जीवन में समझ में नहीं आ रहा होता है, जो कार्य हम कर रहे हैं या फिर जो दिशा में हम जा रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं वो सही है या नहीं सही है। कभी कभी चीजों का सही नहीं सही होना हमें तब पता चलता है जब चीजें थोड़ी सी करीब होती हैं। जैसे एक होता है ना कि हम कभी कभी आपने देखा होगा, अक्सर देखा होगा, हर इंसान देखता है, ठंड के मौसम में जब कोहरा होता है तो हमें चीजें साफ दिखाई नहीं दे रही होती हैं, लेकिन हम एक लाइन में जब गाड़ियां चलती हैं सड़कों पे तो चलती रहती हैं एक दूसरे को ऐसे चलते 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 चलते, रास्ता मंजिल साफ स्पष्ट हो जाती है। ठीक उसी तरह है जब आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो तो जो आप कर रहे हैं जैसे कर रहे हैं जो उचित है जो सही है उसकी तरफ आप चलते रहे, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है और क्या आपके लिए बेहतर होगा। गुरु नानक जी का कार्ड आपके लिए है, ईश्वर एक है और उसी ने सबको रचा है, सबसे प्रेम कर क्योंकि वो हम सब में विद्वान है। तो ये है कि इसका ध्यान रखिएगा, ईश्वर हर जगह है, जिससे आप घृणा कर रहे हैं ना, ईश्वर तो उनके पास भी है, ईश्वर तो उनके मन में भी है, ईश्वर तो वहां भी है। तो ये चीज सोच समझ के रखिएगा कि अपने दुश्मन बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं, क्योंकि ईश्वर ने सबको बनाया है। ठीक है, इस बात का ध्यान हमेशा रहे। धुआंवती जी का कार्ड आपके लिए है, हर प्रकार की नकारात्मकता का परित्याग कर अपनी सीमाओं को विस्तार दे। देखिए क्या है ना, कभी कभी हम कोई काम कर रहे होते हैं, हमें लगता है कि हम इसमें सफल हो जाएंगे, लेकिन हम उस काम को करते हैं तो सफल नहीं होते हैं, या फिर जीवन में अब तक आप सफल नहीं हुए हैं, लेकिन आपके अंदर एक नकारात्मक जो हम कहते हैं ना कि एक एनर्जी है कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे, कहीं ऐसा ना हो पहले जैसा ही हम फिर से फेल हो जाएं, फिर से हम चीजों को पास ना कर पाएंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो जो भी काम कर रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं हम फिर से असफल हो जाएंगे, ये जो भावना आपके मन में एक बैठ गई है ना उसको आपको बाहर निकालना, ये जो एक नकारात्मकता है जो आपके अंदर बैठ गई है उसको आपको निकालना है। निकाल के बाहर कर दीजिए और अपनी सीमाओं को विस्तार दीजिए, यानी कि और नई नई चीजों को आप ट्राई करें और नया नया काम करें, जो काम किसी ने नहीं किया आप उसमें भी, आपके घर में किसी ने किया नहीं किया आप भी करें उस काम को, मतलब किसी ने नहीं किया आप चाहते हैं फिर आप ये सोच के कि शायद हम उसमें असफल हो जाएंगे अपने आप को रोक लेते हैं तो गलत है। एक संदेश और है शुक्र का, ठीक है, जीवन में भोग विलास के महत्व को स्वीकार करें, धीमी गति से चलते हुए हर क्षण को सहज भाव से अपनाएं। यही कार्ड जो यहाँ पे था, प्रवाह की ओर चले, वही चीज है। जरूरी नहीं है कि हर हमेशा आप भविष्य के लिए चिंतित रहें, वर्तमान में जिएं, वर्तमान को देखें, वर्तमान को ठीक करें, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। वर्तमान में वो कार्य करें जो उचित है, जो सही है, जो सही होता है, जो नैतिक है। जब आप इस दिशा में काम करेंगे तो हमेशा आपका जो भविष्य है ना वो अच्छा ही होगा, क्योंकि जो हम करते हैं वही हमारा भविष्य है, ये तो सबको पता है। ये तो बहुत समय से मैं आपको वीडियो में बता ही चुकी हूँ कि भविष्य कुछ नहीं है, भविष्य जो आप कर रहे हैं बस उसी का आपको देखने को मिलेगा। जो भी है आपको भविष्य देखने, भविष्य अभी बना नहीं है, आप बनाते हैं हर पल हर घड़ी हर पल हर मिनट
आप भविष्य को खुद बनाते हैं। तो आप देख लें अभी आप क्या कर रहे हैं और समझ लेंगे कि आप आगे क्या करेंगे, ठीक है। तो भविष्य बताना इतना आसान, मतलब वो मुश्किल नहीं है, हर इंसान बता सकता है कि भविष्य क्या होगा। आप देख लें आपका वर्तमान क्या है, जो हम बोते हैं बस हम वही काटते हैं। ऐसा तो है नहीं कि अगर आपने आज गेहूं की फसल लगाई तो कल आप चावल की फसल काटेंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, आप गेहूं की ही फसल काटेंगे। वही चीज है कि भविष्य आप खुद बनाते हैं अपना। आप देखें आप क्या कर रहे हैं, जो करेंगे वही पाएंगे। जय श्री राम लिख के जाइएगा जरूर, ठीक है। आइए हम देखते हैं माता रानी का कार्ड। जय माता दी। हम थोड़ा सा कार्ड को पहले यहाँ सेट कर दे अच्छे से, ताकि आप लोग की रीडिंग बहुत अच्छे से कनेक्ट हो। आपको माता रानी का चेहरा नहीं दिख रहा है, दिखना भी तो जरूरी है। अब दिख रहा है, चलिए। जय माता दी। जिन लोगों ने भी माता रानी को चुना है ये जानने के लिए कि उनके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, क्या जरूरी संदेश है जो आपको सुनना जरूरी है, चलिए अब देखते हैं आपके लिए क्या संदेश आया है। ओ हर हर महादेव भोलेनाथ का कार्ड आपके लिए है। जो भी मांगोगे मिलेगा, लेकिन सिर्फ योग बने रहने पर ये तुम्हारे पास टिका रहेगा। तो समझ रहे हैं ना आप, जो भी कुछ आप मांगेंगे ना ईश्वर से वो आपको मिलेगा तो जरूर, लेकिन उसके लिए योग हमेशा बने रहेगा, तभी वो चीज आपके पास रहेगी हमेशा के लिए, नहीं तो नहीं रहेगी। सीधी सी बात है, जब तक आप योग रहेंगे तब तक आपके लिए वो चीज है, जब आप उसकी योग्यता खो देंगे तब आप वो चीज आपके पास नहीं रहेगी। वो चाहे जो भी चीज हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का धन है या फिर जो भी, ठीक है, जो जिस दिशा में भी आप काम कर रहे हैं, हर इंसान के लिए अलग अलग चीजें होंगी। मंगलामुखी जी का कार्ड आपके लिए। जीवन में कोई भी असंभव स्थिति होती ही नहीं है, यहाँ कुछ भी अचानक घटित हो सकता है, ठीक है, कुछ भी कभी भी। जो कहते ना चमत्कार, चमत्कार तो कहते ना अचानक से ही होता है ना, कभी भी हो सकता है। आप विश्वास कीजिए, क्योंकि विश्वास में सबसे बड़ी शक्ति है। विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं है। इस बात को तो आप बिल्कुल से ध्यान में रखिए, बैठा लीजिए कि अगर विश्वास नहीं है तो कहीं कुछ नहीं है। अगर आपको इस कार्ड्स पे विश्वास नहीं है तो आपके लिए कुछ नहीं है, ये कार्ड्स आपके लिए कोई भी लाभ आपको नहीं देंगे। अगर आपको विश्वास है, सच में जो विश्वास हम कहते हैं, ये नहीं है कि हाँ मैंने मान लिया चलिए हम विश्वास करते ही, वो नहीं। दिल से जब आप विश्वास करेंगे तब आपसे ये कार्ड्स कनेक्ट होंगे, ठीक है। आइए देखते हैं कार्ड और। छिन्नमस्तिका। यद्यपि अब तक की यात्रा सरल नहीं रही, अब आप एक महान बोध की दहलीज पर खड़ी हैं, ठीक है, समझ रहे हैं आप। आपके जीवन का वो समय, वो जो एक कहते हैं पॉइंट है कि अब यहाँ से आपके जीवन बदलेगा। तो जो लोग भी सुन रहे हैं सेकंड नंबर के कार्ड की रीडिंग को, जो हम टैरो रीडिंग जब करते हैं तो व्हील ऑफ फॉर्चून का जो कार्ड आता है, मैं समझ लीजिएगा कि एक पॉजिटिव चेंज, अब तक का जीवन में जो भी कुछ रहा अब आपके जीवन में चेंज आ रहा है। तो रावण का कार्ड आपके लिए भी। अहंकार मनुष्य की गरिमा को नष्ट कर उसके पतन का कारण बनता है, ईश्वर से मिली उपलब्धियों के लिए आभारी बने अहंकारी नहीं। समझ रहे हैं ना आप कि जब आप अहंकारी हो जाएंगे तो ये जो भी उपलब्धि आपको मिलेगी या मिलने वाली है या फिर मिल चुकी है वो नष्ट हो जाएगी। अगर आप अहंकारी घमंडी व्यक्ति बन गए हैं, आप देखें आप कैसे इंसान है, हर कोई जानता है हम कैसे इंसान है, ठीक है, हर इंसान अपने आप को पहचानता है बहुत अच्छे से। देख लें अगर आपके अंदर अहंकार आ गया है तो समझ जाएं कि आपका भविष्य क्या होगा, ठीक है, आप जल्दी से जल्द पतन की तरफ बढ़ेंगे। रावण को आपने जाना है,
तो बिल्कुल आपके लिए ये कार्ड है, ये एक तरीके की आपके लिए सलाह है कि अगर आपके अंदर थोड़ा बहुत भी अहंकार आ रहा है किसी भी चीज को लेकर, जरूरी नहीं है कि आप बहुत धनवान हैं तभी आपके अंदर अहंकार आए, बहुत बहुत धनवान लोग भी हैं जो अहंकारी नहीं है। और अहंकार केवल धन से नहीं आता है, कभी कभी खूबसूरती से आ जाता है। कोई इंसान बहुत खूबसूरत होते हैं देखने में, तो उनको बहुत अहंकार होता है अपनी खूबसूरती पे, हर इंसान को वो उनको बदसूरत लगता है सिवाय उनके, ठीक है। तो ये भी एक तरीके का अहंकार होता है। कोई इंसान पढ़ने में बहुत तेज होता है, बहुत अच्छे पढ़ाई में बहुत तेज है, उन्हें कभी कभी घमंड हो जाता है अपनी पढ़ाई पे, तो वो भी अहंकार अच्छा नहीं। आपके अहंकार आपके जीवन में किसी भी तरीके से अच्छा है नहीं। समझ गए होंगे आप इस संदेश को। स्वस्थ हृदय, हमारी सारी नकारात्मक भावनाओं एवं विचारों को त्याग कर हमारा हृदय निरोग और पुष्ट हो रहा है। तो ये जो अहंकार वाला फीलिंग आपके अंदर है, जो घमंड आपके अंदर आ गया थोड़ा बहुत नहीं आया, आने वाला है, तो उसके लिए ये सहायक होगा आपके लिए योगा। योगा अभ्यास आप करेंगे ना, तब अपने अंदर की सारी नेगेटिव एनर्जी जो है उसको आप निकाल सकेंगे। कार्ड्स को थोड़ा सा हम फिर से मिक्स करते हैं, क्योंकि कुछ कार्ड जो मुझे लग रहे थे रिपीट हो गए थे, लेकिन शुक्र का कार्ड आ गया आपके लिए। जीवन के भोग विलास के महत्व को स्वीकार करें, धीमी गति से चलते हुए क्षण को सहज भाव से अपनाएं, ठीक है। धीमी गति मतलब एक तरीके का आप समय के साथ चलें, ज्यादा बेहतर होगा। गुरु नानक जी का कार्ड है, ईश्वर एक है, उसी ने सबको बनाया है, सबसे प्रेम करें क्योंकि सब में ईश्वर विद्वान है, इस बात का ध्यान रखें। हर हर महादेव, महाकाल का कार्ड आपके लिए है, जो आपके हित के लिए हानिकारक है उसे मुक्ति पाने के लिए ऊंचे विराट देवी शक्ति को संरक्षण में जाएं पाए, ठीक है। तो ये सारे संदेश आपके लिए, मैंने बहुत कुछ समझाया आपको संदेश के माध्यम से। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय फ्रेंड्स।